थर्ड नंबर में देखिए दिया है 1 + 3 + 7 + 13 + 21, इस तरह से दिया है। हम ले लेते हैं, लेट ए एन बी द nth टर्न एंड एस एन बी द सम ऑफ द सीरीज। चलिए तो यहां पर सम ऑफ द सीरीज यहां देखिए दिया 1 + 3 + 7 + 13 + 21, ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे ए एन, और इसके पहले वाला टर्म होगा ए एन माइनस वन। अच्छा इसमें देखो, अगर इसमें से इसको छोड़ेंगे 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, एपी में आ जा रहा है ना। चलिए ऑल्सो एस एन इक्वल टू मैसेव लिख सकते हैं, इसके सामने 1, इसके सामने 3, फिर 7, फिर 13, इस तरह से ए एन माइनस वन और प्लस का ए एन। चलिए अब इसके बाद इनका डिफरेंस मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये 0 इधर हो जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8, इस तरह से an - 1 और यहाँ पर आपका माइनस का an। चलिए अब इस माइनस के an को इधर लाते हैं, तो प्लस का an प्लस 1, ये आपके यहाँ पर एपी में दिख रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 और इंटू में डी, एन इक्वल टू में 1 + n - 1/2, अंदर देखिए यहाँ हो जाएगा 4 + n - 2 × 2। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखिए क्या होता है। एन इक्वल टू में 1 + n - 1/2, अंदर हो जाएगा देखो 4 + 2n - 4। अब देखिए यहाँ पे ए एन इक्वल टू में 1 + n - 1/2 और इंटू में 2n, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए एन इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से 1 + n² - n, यानी आ जाएगा ए एन इक्वल टू में n² - n + 1। यहाँ से इसका kth टर्म हो जाएगा k² - k और प्लस का 1। चलिए अब इसका हम लोग सम निकालने के लिए लगाते हैं एस एन इक्वल टू में σk = 1 to n a k, यानी आ जाएगा σk = 1 to n आ जाएगा k² - k + 1। चलिए अलग अलग इनके सम के लिए सिग्मा अलग अलग लगाते हैं, σk = 1 to n k² - σk = 1 to n k + σk = 1 to n यहाँ पर 1। तो इसका हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n + 1/6, इसका हो जाएगा n इंटू में n + 1/2 और प्लस का n। चलिए इन दोनों में से पहले कॉमन करते हैं, n इंटू में n + 1 और बाई में 2, यहाँ पे 2n + 1 और बाई में 3 और माइनस का 1 और प्लस n। देखते हैं n इंटू में n + 1/2, अंदर एलसीएम हो जाएगा 3, 2n + 1 - 3 और प्लस का n। आगे अब इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू में n + 1/2, अंदर हो जाएगा आपका कितना 2n - 2/3 + n, ऊपर से 2 कॉमन, n इंटू में n + 1 इंटू में 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 - 1 बन जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 है और ये 3 है प्लस का n, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब फिर हम लोग यहाँ पर n कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर बच जाएगा n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ n² - 1 का स्क्वायर ये बच जाएगा जी, और यहाँ पर या फिर अगले स्टेप में करेंगे, पहले बाई में 3 और प्लस का n, अब n कॉमन कर लो तो अंदर बच जाएगा n² - 1/3 + 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं n इंटू अंदर एलसीएम होगा 3, n² - 1 + 3, यानी आ जाएगा यहाँ से क्या है n इंटू में n² + 2 और बाई में 3, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।